पहला ड्रॉबैक तो ये है कि इसमें आपको 10 मिनट की रिकॉर्ड लिमिट मिलती है। ऑटो फोकस इतना अच्छा नहीं काम करता, वीडियो में फोकस हंटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके सेंसर के सामने ऑप्टिकल लो पास फिल्टर नहीं है, तो उस वजह से जो फोटोज़ में आपको शार्पनेस मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट मिलती है। इस कैमरे के अंदर आपको वाईफाई ब्लूटूथ दोनों चीज़ मिल जाती है। कैमरे के अंदर एक ही कार्ड स्लॉट है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। इस कैमरे के अंदर आपको मिल जाती है फ्लिप आउट स्क्रीन, 3.2 इंच की ये स्क्रीन है, और इस कैमरे में आप अलग से एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी ऑडियो मिल जाएगी। उसके अलावा आपको इस कैमरे के अंदर टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 35mm f1.8G लेंस या 50mm f1.8G लेंस इस कैमरे के साथ यूज़ करें। काफ़ी पुराना ये हो चुका है, तो नया अगर ये इंटरनेट पे आपको मिल भी रहा है अमेज़ॉन वगैरह पे, तो उसको मत खरीदना। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे नाइकोन D5600 की इमेज क्वालिटी, कैसी ये वीडियो बनाता है, इस कैमरे का डिटेल स्पेसिफिकेशन, इसका रिव्यू, इससे लिए हुए फोटोज़ वीडियो, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि 2024 में क्या ये कैमरा लेना आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगी या नहीं। वीडियो को पूरे एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आपको आपके सारे सवालों के जवाब जानने हैं। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस, तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को आगे देखने से पहले एक लाइक दे दें। तो ये कैमरा लॉन्च हुआ था नवंबर 2016 में, तो लगभग ये हो चुका है 8 साल के आसपास पुराना। लेकिन 8 साल पुराना होने के बावजूद भी आज की तारीख में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, और डिमांड में क्यों ना हो, क्योंकि इस कैमरे के अंदर आपको बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स मिल जाती है, और जो इमेज क्वालिटी इस कैमरे से आपको मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। 24 मेगापिक्सल के फोटोज़ आपको क्लिक करके देता है, और क्योंकि इसके सेंसर के सामने ऑप्टिकल लो पास फिल्टर नहीं है, तो उस वजह से जो फोटोज़ में आपको शार्पनेस मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट मिलती है। ऑलमोस्ट 14 EV की आपको इसमें डायनेमिक रेंज मिल जाती है, तो इसलिए अगर आप एक लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस हो जाएगा। उसके अलावा इसमें आपको एक्सपोजर ब्रैकेटिंग भी मिल जाती है, तो आप डिफरेंट एक्सपोजर पे फोटोज़ क्लिक करके उनको ज्वाइन करके एक हाई डायनेमिक रेंज का फोटो क्रिएट कर सकते हो। वजन की बात करें तो लगभग 465 ग्राम्स कैमरे की बॉडी का वजन है। अगर लेंस को आप साथ में मिला लें तो लगभग ये आपको पड़ेगा 650 ग्राम के आसपास। और जो लेंस आपको इस कैमरे के साथ मिलता है वो 18-55 का AFP वाला लेंस है। उसका ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा साइलेंट है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और जो उसकी इमेज क्वालिटी है जो पुराने AF-S वाले किट लेंस थे उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लो लाइट परफॉर्मेंस भी इस कैमरा की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, 100 से लेके 25,600 तक इसकी ISO रेंज आती है, और वाकई में लो लाइट में भी ये एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। और अगर आपने इसके ऊपर कोई प्राइम लेंस यूज़ कर लिया, जैसे कि 50mm f1.8G वाला लेंस, तो तब तो आप लो लाइट में और भी ज़्यादा शानदार रिजल्ट्स निकाल पाओगे, और बैकग्राउंड ब्लर भी आपको बहुत ही शानदार इससे मिल जाएगा। इसके अंदर आपको एक्सपीड 4 वाला इमेज प्रोसेसर मिलता है। फ्रेम पर सेकंड की बात कर लें तो 5 फ्रेम पर सेकंड में कंटिन्यूस मोड में ये फोटो क्लिक कर सकता है, तो इसलिए वाइल्ड लाइफ या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए ये कैमरा नहीं बना है, लेकिन लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए, इवेंट फोटोग्राफी के लिए या कैजुअल फोटोग्राफी के लिए ये काफ़ी अच्छी चॉइस आपके लिए रहेगा। और ये एक APS-C कैमरा है, तो इसके अंदर जो आपको सेंसर मिल रहा है वो बेसिकली एक CMOS सेंसर है, और उसका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है एक फुल फ्रेम कैमरा के मुकाबले, और नाइकोन के केस में आपको 1.5 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर मिलेगा। तो अगर आप कोई भी इस पर लेंस यूज़ कर रहे हैं तो अपनी फोकल लेंथ को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तब आपको एक इफेक्टिव फोकल लेंथ मिल जाएगी। तो अगर आप इस पर 50mm का लेंस यूज़ करते हैं तो 50 × 1.5 यानी कि इफेक्टिव फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 75mm। इस कैमरे के अंदर आपको वाईफाई ब्लूटूथ दोनों चीज़ मिल जाती है, तो अगर आप इसको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके ऑपरेट करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली हो जाता है। स्नैपड्रैगन वाली जो नाइकोन की एप्लीकेशन है, आप उसको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके अपने DSLR को मोबाइल के साथ पेयर कर सकते हैं, और इसमें आप रिमोट शूटिंग कर सकते हैं। रिमोट शूटिंग का मतलब ये है, जो आपके DSLR को दिख रहा है वो आप देख पाओगे अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। आप अपनी शटर स्पीड, एपर्चर, जितनी भी सेटिंग्स है वो भी स्मार्टफोन से चेंज कर पाओगे। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, स्टॉप करनी है, फोटोज़ क्लिक करने हैं, फोटोज़ को डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें आप इजीली कर पाओगे। कैमरे के अंदर एक ही कार्ड स्लॉट है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। हालांकि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप डुअल कार्ड स्लॉट वाला कैमरा लें, और इसका SD कार्ड इधर पर यहाँ पर
पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसकी वीडियो कैपेबिलिटीज की। तो इस कैमरे के अंदर आपको मिल जाती है एक फ्लिप आउट स्क्रीन, 3.2 इंच की ये स्क्रीन है। इसका रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, 1000 किलो डॉट्स का इसका रेजोल्यूशन है। तो इसलिए अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। आप इसको इस तरीके से ऐसे हाथों में पकड़ के व्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आपको YouTube वगैरह के लिए वीडियो बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि फ्लिप आउट स्क्रीन है तो आप अपने आप को फ्रेम में देख पाएंगे, अपनी फ्रेमिंग आप सेट कर सकते हैं और आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है YouTube के लिए, व्लॉगिंग करनी है, तो उसके लिए वीडियो के अलावा ऑडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस कैमरे में आप अलग से एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी ऑडियो मिल जाएगी इस कैमरा से। और आपका जो माइक है वो इधर पर यहाँ पे साइड में लग जाता है। हालांकि एक ड्रॉबैक आपको फेस करना पड़ेगा वीडियो रिकॉर्डिंग में, उसको मैं आपको बताता हूँ। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि इसमें आपको 10 मिनट की रिकॉर्ड लिमिट मिलती है जब आप फुल HD में वीडियो शूट कर रहे हो 60 फ्रेम पर सेकेंड में। जी हाँ गाइस, इस कैमरे में आप फुल HD में वीडियो बना सकते हो, वो भी 60 फ्रेम पर सेकेंड तक। और वीडियोज़ में शार्पनेस बहुत अच्छी है, कलर्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से निकल के आती है, लेकिन ऑटो फोकस इतना अच्छा नहीं काम करता। वीडियो में फोकस हंटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको वीडियो मेकिंग में इस कैमरे को यूज़ करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको AFS वाले मोड पे यूज़ करें और एक जगह फोकस को फिक्स कर दें। फिर आप आगे पीछे इधर उधर जब भी मूव अराउंड करेंगे तो फोकस आपका एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, इन आउट फोकस हंटिंग नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको मैनुअल फोकस वाले मोड पे डाल के वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। फोकस हंटिंग को कैसे दूर करना है नाइकोन के कैमरा के लिए या D5600 के लिए, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, तो आप लिंक देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए वो वीडियो। इस कैमरे के अंदर आपको 39 ऑटो फोकस पॉइंट मिलते हैं और उसमें से 9 ऑटो फोकस पॉइंट क्रॉस टाइप है, तो इसलिए जो आपकी सब्जेक्ट की ट्रैकिंग वगैरह है इस कैमरे में काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन सिर्फ फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में नहीं। एक चीज़ अच्छी जो आपको इसमें मिल जाती है अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है वो ये है कि इसमें आपको टच स्क्रीन मिलती है, तो आप टच करके भी फोकसिंग कर सकते हैं और टच स्क्रीन को टच करके आप अपनी सेटिंग्स वगैरह बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इस कैमरे के अंदर टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। गाइस, इससे लिए हुए सैंपल फोटोज़ को मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ और ये फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट है, बहुत ही शानदार ये आपको फोटोज़ लेके देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस कैमरे के अंदर आपको ऑप्टिकल लो पास फिल्टर नहीं मिलता, तो फोटोज़ में शार्पनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, डायनेमिक रेंज इस कैमरा की बहुत ज़्यादा अच्छी है, कलर डेप्थ भी इस कैमरा की बहुत ज़्यादा अच्छी है, और स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा जो फोटोज़ आपको मिलते हैं बहुत ही शानदार है। अगर आप उनको थोड़ा सा ट्वीक कर लें, थोड़ी सी उसकी एडिटिंग कर लें, तो और भी ज़्यादा शानदार ये फोटोज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस कैमरा से और भी बेहतर रिजल्ट्स निकालने हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 35mm f1.8G लेंस या 50mm f1.8G लेंस इस कैमरे के साथ यूज़ करें, फिर आप देखना आपको कितने ज़्यादा एक्सेलेंट रिजल्ट इस कैमरा से मिल जाएंगे। हालांकि जो कैमरे के साथ किट लेंस मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो निकाल के दे देता है। फोटोग्राफी में तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, इस कैमरे को मैं 101% आपको रिकमेंड कर सकता हूँ 2024 में भी अगर आपको फोटोग्राफी करनी है इस कैमरा से। तो अब गाइस, इससे ली हुई सैंपल वीडियो को भी मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस कैमरे में आपको थोड़ी सी फोकस हंटिंग फील होती है, तो इसलिए वीडियो के लिए ये कैमरा इतना अच्छा नहीं है। हालांकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप इसमें मैनुअल फोकस मोड को यूज़ कर लो या AFS वाले मोड को यूज़ करके एक जगह फोकस को फिक्स कर दो, तब आप इसे वीडियो भी काफ़ी अच्छी निकाल सकते हो। तो गाइस, देख सकते हैं कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी आपको मिल जाती है इस कैमरा से। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो कैमरा के बिल्ट इन माइक से है। हालांकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप इस कैमरा में अलग से एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको AFS वाले मोड पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसमें फोकस हंटिंग ना हो। आप देख सकते हैं ये जो सामने ट्री है इसके ऊपर मैंने फोकस को लॉक किया हुआ है और पीछे की चीज़ें पूरी तरीके से ब्लर हो चुकी है। आप देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आपको मिल रहा है और कितनी शार्पनेस है वीडियो के अंदर, बहुत ही अच्छे डिटेल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस ट्री की जो बॉक्स हैं उसमें देखिए कितने अच्छे से आपको डिटेल्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं अब कहीं और फोकस करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं कैमरे को ऐसे हल्का सा मूव करूँगा और अब देखिए मैंने बैकग्राउंड पे फोकस कर दिया तो कुछ ऐसा रिजल्ट मुझे मिला।
लेकिन क्योंकि मैं AFS मोड को यूज़ कर रहा हूँ, तो जब तक मैं खुद ना चाहूँ तब तक फोकस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं AFF वाले मोड को यूज़ करूँगा तो कैमरा कंटिन्यूसली फोकस करने की कोशिश करेगा और बहुत ज़्यादा फोकस हंटिंग होगी। अब देखिए वापस से अब मैं इस ट्री के ऊपर फोकस कर देता हूँ, कितने अच्छे डिटेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इस कैमरा से अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैंने लेंस को डाला हुआ है 18 की फोकल लेंथ पे। अगर आप 18 की फोकल लेंथ पे है तो आप ठीक ठाक व्लॉगिंग कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा आपको फ्रेम मिल जाएगा, इतनी चीज़ें आपको फ्रेम में नज़र आएंगी। अगर आपको पीछे की चीज़ें दिखानी है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, आप थोड़ा साइड में हो जाएं और पीछे की चीज़ें भी आप दिखा सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको AFS वाले मोड पे डाला हुआ है और मैंने टच करके अपने चेहरे के ऊपर फोकस कर दिया, तो अब फोकस हंटिंग नहीं होगी, ये मेरे चेहरे को ही फोकस में रखेगा। इस कैमरे के अंदर आपको मिल जाता है लेंस के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन, लेकिन अभी मैं जैसे जैसे चल रहा हूँ तो वीडियो की फुटेज आपको इतनी स्टेबल नहीं मिलेगी। तो अगर आपको बहुत ही अच्छी स्टेबल फुटेज चाहिए इससे, तो आपको लेना पड़ेगा एक गिम्बल, और ये थोड़ा सा भारी तो है, तो अगर आप इसको हाथ में ऐसे लेके व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये इतना अच्छा नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं इस कैमरा के प्राइस की। काफ़ी पुराना ये हो चुका है, तो नया अगर ये इंटरनेट पे आपको मिल भी रहा है अमेज़ॉन वगैरह पे, तो उसको मत खरीदना, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको 50,000 या 55,000 में ये ऑनलाइन दिखा रहा है नया, तो मत लेना, क्योंकि ये 8 साल आउटडेटेड कैमरा हो चुका है। 50,000 में आप थोड़े से और पैसे मिला के नाइकॉन Z50 मिररलेस कैमरा ले सकते हैं। वो कैमरा फोटोग्राफी में ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ये कैमरा Z50 से कम नहीं है फोटोग्राफी में। 19-20 का ही आपको फ़र्क महसूस होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वीडियोग्राफी की, तो Z50 में आपको वीडियो की स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी, क्योंकि उस कैमरे का ऑटो फोकस बहुत ज़्यादा शानदार है। वो एक मिररलेस कैमरा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। तो अगर आपके पास 70,000 रुपये के आसपास है तो आप Z50 को बाय करो। लेकिन अगर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में ये कैमरा मिल रहा है लगभग 35,000 से 40,000 रुपये के बीच में, तब आप डेफिनेटली इस कैमरे को ले सकते हो। अगर इस कैमरे का शटर काउंट बहुत ज़्यादा यूज्ड है, इतनी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपको ये 25,000 और 30,000 रुपये के बीच में भी मिल जाए। तो अगर आपको मिल रहा है ये 25,000-30,000 रुपये में सेकेंड हैंड मार्केट में, तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वीडियोग्राफर हैं तब मैं आपको इस कैमरे को रिकमेंड नहीं करूँगा, तब आप नाइकॉन Z50, ZFC या नाइकॉन Z30 को बाय कर सकते हैं। ओवरऑल 2024 में डेफिनेटली ये कैमरा रेलेवेंट है और आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। आपने इसको खरीद लिया बिल्कुल भी आपको अफसोस नहीं होगा। इस कैमरे का डिटेल ट्यूटोरियल और इसके ऑटो फोकस का टेस्ट मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, फिर मैं आपके लिए ऐसा ही और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आ सकता हूँ।